माध्यम से हम चुनाव में उतरे प्रत्याशियों की नशा मुक्ति और व्यक्तिगत महिला स्वतंत्रता जैसे विषयों पर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। सर्वप्रथम अभी हमारा जो नाटक का मंचन होगा इसमें हमारे पास दो प्रत्याशी होंगे जो कि प्रधान के लिए उठ रहे हैं। इसमें से पहला है हरदा। ये हरदा जो है अब ये चुनाव के लिए उठ तो रहे हैं लेकिन ये किसके बल पर जीतना चाहते हैं? ये अपने काम के बल पर नहीं जीतना चाहते, ये पैसे और शराब के दम पर जीतना चाहते। वहीं दूसरी ओर जो हमारी महिला प्रत्याशी हैं वो नम्रता होंगी। नम्रता जो है वो अपने काम, अपनी शिक्षा और जो विकास के दम पे आपके समक्ष इन मुद्दों को रखेंगी और इन्हीं के दम पर चुनाव को लड़ेंगी। तो हमारे नाटक का मंचन कुछ इस प्रकार शुरू होता है। अरे जानू आ गाँव हम अच्छा क्या हाल है अब सोचना अच्छा यार बनाचियो अब सोचना अच्छा की चुनाव में लड़ने का फिर कैसे हो बताओ जरा कहीं। अरे हजार यार हजार की टेंशन अरे यार पहल भरी उठते हैं आइए मूल्य उठ रहे बारह कैदे उठा उठा कबे यार खाली बकवास करने हमर दिमाग चली दियो। बताओ कच्ची और बताओ क्या ही है विचार बताओ तुम अपन व्यवस्था एक का काम करो बड़ा मसान वजन बढ़ो काउ बोतल और काउ वो हड्डी चाय हजार छह व्यवस्था हजार तुम्हारा हमको पता भाई जान की चाय कबे आन तो न तो ब्याह कार्यालय में आए वहाँ सब व्यवस्था है। अरे आने चाय पर अब आने क्या छे लारसा कही। अरे लरो लरो ये लरो एकल हजाल अब एकल हजाल ये बदल ले जोहन। अरे हजाल एल हजाल बोतल जी का मुर्गा भी चाली भाई मुर्गा एल काटी लुलु का एल ये बोतल लरो एल हम खाली आ देख लो बैठो बैठो लो। अरे यार तुम तो खच्ची कहीं की लोन जा यार इंग्लिश लो। अरे इंग्लिश ना लरो रुको यार यो छु इंग्लिश लो आओ खोलो खोलो पाइन लाओ पाइन ये या यात्रा नंबर इनसे नंबर करवाओ ना यार ठीक है अर्दा। अरे आज की पार्टी है रे यो अरे बताओ क्या बताइए तुमको बैठा बैठा तुमने बैठा ना 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 अर्दा हम यो कच्ची पंची नहीं चुन हम को रेड वाइन चाहिए। रेड वाइन भाई आप यार रेड वाइन का छना तो इनको पैंस दी दिया जरा लाओ तो साबत देख लिया तुम अरे नहीं मेकानी नहीं दिया तुमको काम की तुम्हें सुना सुना बात सुन जाओ नाराज है क्यों नाराज। अरे कोई बात ना आप चलो हगपा अभी अच्छी जरा तो घर में बहुत जो जो छन सब हजल पा प्रचार प्रसार मतलब जनु पे जानची को गपन जानची आज अब ये भई वोट पे लास्ट दिन छे आप जो में है तो महाराज नेता कैसे हो आका जैसा हो शराब की दुकान जदू लक्षण सब इनको बंद कर दी।
ठीक है, ये शराब ने तो पूरे देश का नाश किया हुआ है, पूरा देश इस जो बीमारी है शराब नामक बीमारी ये बहुत फैलती जा रही है पूरे देश में। तो हमारी जब सरकार बनेगी तो हम शराब को बंद करवाएंगे, आपके क्षेत्र में विद्यालय खुलवाएंगे और यहीं के आपके ही पास के अध्यापक को उसमें रखेंगे, जिससे रोजगार भी आपको प्राप्त होगा और यहाँ का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर भी हम एक अच्छे डॉक्टर की नियुक्ति कराएंगे। आपका ही साथ हमको चाहिए। अब आप देखेंगे कैसे एक शराबी पति राजेश रात को घर में आकर अपनी पत्नी पर एक गलत प्रत्याशी के पक्ष में मतदान के लिए अनावश्यक रूप से दबाव बनाता है। अरे यार वो पारो हाँ हरदा हो इस बार इलेक्शन में उठ रहे हो, वो बैठे थे हम वहाँ उसके साथ बैठे थे, उन्होंने बस हो गया हो गया। हरदा के बारे में गलत नहीं बोलना, बहुत अच्छा आदमी है वो, बहुत अच्छा आदमी है। एक तुम उससे था, एक उससे जो अच्छा आदमी, अच्छा आदमी हो इस बार इलेक्शन में उठ रहा है, वोट उसी को देना है हमारा। अब आप मतदान के दिवस को देखेंगे कि किस प्रकार मतदान हुआ है। अरे आप तो हरदा को वोट देंगे यार। मतदान का परिणाम आ चुका है और नम्रता 25 वोटों से जीत चुकी है। अब नम्रता इस गांव की नई प्रधान है जो कि शिक्षा और विकास के नाम पर जीती है, लेकिन अभी भी जो राजेश की पत्नी रजनी है, जो शराबी राजेश अभी आपने देखा था, वो कुछ कुछ अभी भी परेशान है। देखते हैं कि आखिर वो परेशान क्यों है। अरे यार जीवन शराब मैडम तुम सही को शराब गलत चीज थी, मैं बहकाऊ में आगो दगड़ी छी दगड़ियाल को यो बहुत आज बढ़िया आदमी छू, इन्हों तक प्रचार में प्रचार करू, इन्हों विवाह के करूँ गलती है के। और आप सभी लोगों से भी हम यही कहना चाहते हैं कि इस एक छोटे से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कि जो शराब है उसके द्वारा जो समाज में महिलाएं हैं और उनके साथ जो अत्याचार होते हैं और इससे परिवार जो है छिन्न भिन्न भी हो जाता है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं कि ये जो नशा है इसको आप लोग अपने स्तर पर जितना हो सके इसका विरोध करें
यही हमारा इस नाटक के माध्यम से संदेश है।